पर टिकट कट रही है जो कि टॉय ट्रेन का टिकट लग रहा है और साथ में पंटूरा का कार्ड बनता है। सुबह के 8:30 हो रहे हैं या 9:30 हो रहे हैं और अभी हम लोग जा रहे हैं मूवी देखने। काफी ज्यादा लेट हो चुकी हूँ और हस्बैंड नीचे वेट कर रहे हैं। जल्दी से कार में जाते हैं, एंड दिखाते हैं आपको हम लोग कहाँ जा रहे हैं। भाई इतनी हड़बड़ मच गई थी कि मैं ठीक से रेडी भी नहीं हो पाई और कार के अंदर आके मेकअप कर रही हूँ। एनीवेज आप लोगों को प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल एंड वडक्कम। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो गाइस बहुत दिनों बाद हम लोग का टाइम मिला कि मूवी देखा जाए और हम लोग आ गए फिनिक्स प्लस यू मॉल। तो ये मॉल तक पहुंचने में इतना टाइम लगा ना कि क्या बताऊं। सुबह तो हम लोग लेट से निकले ही थे और जब भी हम लोग को टाइम पे जाना होता है हम लोग एक्चुअली लेट ही कर लेते हैं। कभी ट्रैफिक में फंस जाते हैं, कभी लोकेशन नहीं मिल पाता। एनीवेज आप मॉल को देख सकते हैं, काफ़ी प्यारा लग रहा है, काफ़ी खूबसूरत सा लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे राजमहल हो और जितनी इसकी खूबसूरती की तारीफ करें वो कम है, लेकिन इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है ना। इसकी सारी गेट बंद थी और एंट्रेंस इससे दूर था। वहाँ पे जितनी भी सीटें थी ना काफ़ी ज़्यादा खाली थी और बहुत लोग नहीं भी आए थे और 2-4 ही लोग थे जो हमारे पीछे बैठे थे और आगे में तो कोई भी नहीं था। फिर भी हम लोग अपने सीट ले रहे हैं और ये बैठ रहे हैं। और आज की जो मूवी है ना वो एनिमेशन मूवी है तो मेरी बेटी को काफ़ी मज़ा आने वाला है और हम लोग भी मज़ा करने वाले हैं। तो आज हम लोग देखने वाले हैं स्पाइडर मैन। थिएटर में जैसे ही हम लोगों ने एंटर किया ना वैसे ही हमारे आगे पीछे दो भाई साहब घूमने लगे और उन्होंने ऑर्डर रखना शुरू कर दिया। तो हम लोगों ने ऑर्डर दे ही दिया क्लासिक सॉल्टेड पॉपकॉर्न और देख सकते काफ़ी बड़ी सी हम लोगों ने ऑर्डर किया है जो कि कंटेनर ऐसे लग रहा है जैसे कि बकेट हो घर का। और इसके साथ मैंने भी ऑर्डर किया था बर्गर कोल्ड कॉफ़ी जो कि काफ़ी मज़ा आ रहा था मूवी को देखते देखते गाने में। और साथ में ना कुछ देर बाद हम लोगों को 4D को एक्सपीरियंस करने का भी मौका मिला और काफ़ी मज़ा आ रहा था। सीटें ऊपर नीचे जा रही थी। एक्चुअली पटना के 90 में एक बार गई थी हॉस्टल मेट्स के साथ तो काफ़ी मज़ा आया था और उसके बाद तो ये एक्सपीरियंस करने के लिए कभी मिला ही नहीं और फाइनली अब मिला तो मुझे काफ़ी मज़ा आ रहा था। ये जितने भी बारिश की बूंदे स्क्रीन पर देख रहे थे वो सारी चीज़ें हम लोग एक्सपीरियंस कर रहे थे। जब भी स्पाइडर मैन यहाँ से वहाँ जंप कर रहा था तो हमारी सीटें और ऊपर आ रही थी फिर नीचे आ रही थी, ऐसा लग रहा था मानो जैसे झूला वगैरह झूल रहा है। और मैं कोशिश कर रही थी कि ये थोड़ी बहुत चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर की जाए, क्लिप रिकॉर्ड कर रही थी, बट पता नहीं जितना हम लोगों ने एंजॉय किया उतना रिकॉर्ड हुआ है कि नहीं। और ये हो चुका है मूवी का द एंड, अब निकल रहे हैं हम लोग एक्सप्लोर करने।
दूसरे वाले वहाँ पे वो ऊपर में गेम वो जो हो रहा था ना टेडी बियर वाला पकड़ के लाना। आ जाओ। हाँ टेडी बियर वाला। आ चुके हैं लुलू मॉल। यहाँ पर हम लोग थोड़ी बहुत शॉपिंग करेंगे और जो अंदर की एक्टिविटी होगी वो आप लोग से शेयर किया जाएगा। शाली को देखा टॉय ट्रेन और उस टॉय ट्रेन देख के इतना रोना धोना मचा ही रही थी कि हम लोग को बैठाना पड़ा और इसके लिए तो बहुत सारी फॉर्मेलिटीज करनी पड़ी। कुछ कुछ चीज़ें हैं जो इसकी चार्जेस हैं वो मुझे समझना पड़ा और उसके लिए एक कार्ड बनता है फंटूरा का, वो सब कुछ मैंने बनाया और शाली को ट्रेन पर बैठाया। और ये ट्रेन ना 3 मिनट का टाइम लेगी और सारा डिस्टेंस जो है मॉल का वो कवर करेगी और पूरे मॉल में ये घूमेगी। तो गाइस इस ट्रेन के साथ वक्त मुझे ये लगे ना कि बच्चों के साथ पेरेंट्स भी बैठ सकते हैं लेकिन उसके साथ आप लोगों को चार्जेस भी पे करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर टिकट कट रही है जो कि टॉय ट्रेन का टिकट लग रहा है और ये साथ में फंटूरा का कार्ड बनता है और ऊपर में फंटूरा भी है तो वहाँ पे बहुत सारे एक्टिविटीज़ कराते हैं बच्चों के भी और हम जैसे बड़ों को भी। ये देख सकते हैं ट्रेन आ चुकी है। छोटी वाली 6999 6 6999 अच्छा 7 7।